ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भागवतम एक ऐसा ग्रंथ है जिसे हर व्यक्ति को जरूर पढ़ना सुनना चाहिए। कुछ इसके रीजंस हैं, एक इसकी बैक स्टोरी है, वहां से शुरू करते हैं। कहते हैं ऋषि वेद व्यास ने जब वेदों की रचना कर ली, महाभारत की रचना भी कर ली, तो एक दिन अपने आश्रम में थोड़े दुखी से बैठे थे। नारद मुनि आए वहां पे, उन्होंने पूछा कि हे वेदव्यास, आप क्यों दुखी बैठे हैं? वेदव्यास को अपने दुख का, अपनी अशांति का, अपने अपूर्णता का रीजन नहीं समझ में आ रहा था। तो नारद मुनि ने कहा कि मैं जानता हूं रीजन। आपने महान ग्रंथों की रचना तो कर ली, मगर इन जो ग्रंथों की आपने रचना की है, जैसे आपने वेदों की रचना की बट वो ज्ञान योग का ग्रंथ है, आपने महाभारत की रचना की वो ज्ञान और कर्म योग का ग्रंथ है, मगर इस पृथ्वी पे ज्यादातर मनुष्यों के लिए आपने जो सबसे सरल पाथ है, जो सबसे आसान तरीका है मन की शांति, सुख, आनंद और परमात्मा का अनुभव करने का, उसकी तो आपने व्याख्या ही नहीं की आज तक, उसके बारे में तो आपने लिखा ही नहीं। तो वेदव्यास को समझ में आया कि ये तो उनसे भूल हो गई कि भक्ति मार्ग का ग्रंथ तो अभी तक उन्होंने लिखा ही नहीं है। एंड विद दैट थॉट ऋषि वेदव्यास बैठे और उन्होंने श्रीमद् भागवतम की रचना की, जो एकदम भक्ति रस से भरा हुआ ग्रंथ है। और इसकी सुंदरता यह भी है कि श्रीमद् भागवतम इज अ रिपोजिटरी ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। ये छोटी छोटी कथाएं जो नारायण हरि की व्याख्या करती हैं, जो नारायण हरि के बहुत सारे अवतारों की बात करती है, और प्रमुख रूप से कृष्ण अवतार। कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या रीजन था नारायण को कृष्ण अवतार लेके पृथ्वी पे आने का, क्या उद्देश्य था इस बात का, इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज हैं इसके अंदर। एंड इफ यू नो लिटिल बिट अबाउट न्यूरोसाइंस, कहानियां आपके जहन में, आपके हृदय में वास कर लेती हैं। हर कहानी से निकला हुआ कोई संदेश, कोई लेसन आपके भीतर समा जाता है। अब वर्षों बाद भी ये लेसन, ये संदेश किसी परिस्थिति में उभर के अंकुरित हो जाएगा। दैट्स द ब्यूटी ऑफ स्टोरीज। इसीलिए भारत के अध्यात्म में स्टोरी टेलिंग का, या ज्ञान को या भक्ति को कहानियों के रूप में कहने का, सुनने का, समझने का एक पूरी प्रथा चली आई। तो आज से हम इस भागवतम, महाभागवतम जिसे मैं कहता हूं, श्रीमद् महाभागवतम की कथा का आरंभ करेंगे। हम सब अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, आनंदित बनाना चाहते हैं, खुशहाल बनाना चाहते हैं, शांति और आनंद से भर देना चाहते हैं। हम ध्यान करना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू बी मेडिटेटिव, वी वॉन्ट टू एक्सपीरियंस मेडिटेशन। हम प्रेम करना चाहते हैं स्वयं से, लोगों से, प्रकृति से, हम ईश्वर को अनुभव करना चाहते हैं। ये सारी ऐसी चाहते हैं जो शायद ही पृथ्वी पे कोई व्यक्ति हो जिसके मन में ना आती हो, बट ये संभव नहीं हो पाता। दिस डज नॉट बिकम आर लिविंग रियालिटी। यू नो व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? एंड द रीजन इज रेगुलैरिटी। हम इस दिशा में, हम इस रूट पे, इस मार्ग पे आगे तो बढ़ते हैं, डायरेक्शन तो लेते हैं, बट रेगुलैरिटी मिस हो जाती है। और जीवन का विज्ञान, जीवन का आनंद का विज्ञान रेगुलैरिटी में है। इफ आई डोंट डू एनीथिंग रेगुलरली, देन दैट डज नॉट बिकम पार्ट ऑफ माई लाइफ। तो किसी भी चीज को अगर मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाना है, मुझे रेगुलैरिटी को साधना होगा, नित्यता को साधना होगा। तो हम श्रीमद् महाभागवतम का कोर्स तो नहीं कहेंगे, कथा शुरू करने जा रहे हैं। इट्स अ सीरीज ऑफ सेशंस। अगर ये सेशंस आप नित्य सुने, रेगुलैरिटी से एक नियम बांध के सुनने लगे, तो इसका प्रभाव, इसके आनंद का प्रभाव, इसके गहरे राज और इसमें छिपी भक्ति आपके हृदय का हिस्सा बनने लगेगी। बट कंडीशन एक ही है, रेगुलैरिटी। यू हैव टू लिसन टू इट, इम्बाइब इट इन योर हार्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस।
नहीं तो हमारी प्रॉब्लम ये होती है, एक दिन किया उसके बाद सब खत्म, सफाचट। स्पिरिचुअल लाइफ और द लाइफ ऑफ आनंदा डज नॉट वर्क लाइक दैट। इट्स माई रिक्वेस्ट, प्रेयर एंड एडवाइस टू ऑल ऑफ यू, मेक फुल यूज ऑफ दिस भागवतम दैट वी आर गोइंग टू शेयर विद यू ऑन अ रेगुलर बेसिस। लिसन टू इट एवरी डे इफ यू कैन। डू नॉट मिस इवन अ सिंगल सेशन ऑफ दिस एंड देन यू विल सी योर एंटायर डे विल बी फुल ऑफ द रसा ऑफ भागवतम। मैं चाहता हूं कि आप सबके जीवन में भागवतम का यह मधुर रहस्य, मधुर रस, ये प्रेमपूर्ण रस, ये भक्ति भरा रस घुल जाए। उसके लिए नियम वही है, रेगुलरिटी। लिसन टू दिस, हियर दिस, इम्बाइब दिस इन योर लाइफ, लेट दिस बिकम पार्ट ऑफ हु यू आर इन अ रेगुलर बेसिस एंड देन सी द मैजिक। इट्स माई प्रॉमिस टू यू, द मैजिक विल हैपन, बट यू हैव टू प्रॉमिस फ्रॉम योर साइड टू फॉलो दिस रेगुलरली। लेट्स सी इफ यू आर एबल टू डू दैट। ऑल माई बेस्ट विशेज, थैंक यू वेरी मच। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।